कि सबसे पहले आज आपसे शुरुआत करते हुए संगीत रागी जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन बेचैन करने वाली हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल अगर मुस्लिम लोगों की भावनाओं का पहले ही सम्मान कर लिया जाता, एफआईआर पहले ही दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई हो जाती तो फिर इस तरह की स्थिति नहीं बनती। इस पर क्या होगा जवाब आपका? देखिए, कमलेश तिवारी पर तो पर एफआईआर भी हो गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी, वो बेल पर थे और बेल के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरी बात, यदि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले ये किया जा रहा था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हो, एफआईआर होने के बाद अब वो कह रहे हैं गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी यदि कर ली गई होती तो वो कहते हैं इनको फांसी की सजा दे दी जाए। कई जगहों से इस तरह की मांग मैं आपको है, मैं बता रहा हूं प्रदर्शन के दौरान मैं आपको जो पैटर्न है एक समाज के एक वर्ग का, मैं बार बार फिर ये दोहरा करके आपके चैनल पर कह रहा हूं, पूरा मुस्लिम समाज मैं कभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक समाज के एक वर्ग का जो तालिबानी मानसिकता और जिहादी मानसिकता में जीता है वो हर चीज के लिए एक कारण ढूंढता है। यदि 9/11 करना है तो कारण है कि अमेरिका के खिलाफ हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यदि लंदन में बम विस्फोट करना है तो उसके लिए उसके वाजिब कारण है, यदि सीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तालिबान, आप नाम गिना वो सकते तो सब हैं। ठीक है, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, सुन लीजिए, क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि देश के कई हिस्सों को जलाने की साजिश रची जा रही है और किसी को कानोकान खबर नहीं और अलग अलग हिस्सों में इस तरह जलती हुई तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए चित्रा जी, जब घर में ही आपका चोर बैठा हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं। 2016 का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान सीनेट का, और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने बहुत साफ साफ चीजें कही हैं, दो चार बातें कही हैं जिसमें ये सब चीजें हैं कि भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है उसको हमको किसी भी तरीके से उकसाना है, ठीक है, और उसमें ये चीजें जो है एक एनआरकी क्रिएट करना है, वो दलित फॉल्ट लाइन्स का प्रयोग करेंगे, वो हिंदुत्व को खड़ा करेंगे, हिंदुत्व का डर दिखा करके मुसलमानों के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये उनके पॉलिसी का, और मीडिया का एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने की वो कोशिश करेंगे अपने यहां, उसके लिए उन्होंने जर्नलिस्टों का उन्होंने चुनने की कोशिश की है, ठीक है, और ये उसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का कोई भी इसको पढ़ ऐसे कुछ जर्नलिस्ट का नाम भी एफआईआर में उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन इन सब के एतर में सीधे आलोक दुबे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि रांची में आपके समर्थन वाली वहां पर सरकार है आप लोगों की, रांची भी जला है बुरी तरह से, कई लोगों की जान चली गई है, अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, प्रदर्शन की आड़ में ये जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हिस्सों में बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पर तो क्या एक सही दिशा में सरकार काम कर रही है? देखिए चित्रा जी, अभी आपने कहा कि प्रयागराज में डीएम और एसपी पहुंच गए हैं, हमारे झारखंड में सिर्फ राजधानी रांची में कल ये घटना हुई, पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ने अपना विरोध प्रकट किया। आज सबसे पहले जो जरूरत है वो है कि किसी भी स्तर पर सद्भावना, भाईचारगी, अमन चैन, गंगा जमनी तहजीब अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए, यह पहली प्राथमिकता और हमारी कोशिश है। मैं राजधानी की सड़कों पर घूमता रहा हूं कल से लेकर आज तक, मैंने महसूस किया कि सीनियर एसपी और हमारे डीसी दोनों उस समय खड़े थे और एक बड़ी दुर्घटना को न सिर्फ रोका बल्कि धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए उन्होंने लाठियां भी खाई, पत्थर भी खाए, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि इस घटना को रोकने के बाद कुछ लोग वहां पर हरि कीर्तन करने लग गए, जबकि तुरंत हेमंत सोरेन धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम से हमला भी हुआ है, आपको खबर होगी रात में, देंगे दर्शकों को जानकारी इस बारे में, नहीं नहीं कौन लोग हैं? देखिए बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है आलोक जी? और अगर बुलडोजर चल रहा है तो अच्छा ही हो रहा है ना, अपराधियों के साथ तो अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, सड़क पर उतर कर उपद्रव करेंगे, प्रदर्शन की इजाजत ये देश देता है ना, वो जमहूरी हक है ना। देखिए समाज के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और आप देखे चंद कल घटना के बाद आज पूरा झारखंड चंद घटना कहां हुई है, पूरे राज्य नहीं हुई है, पूरे राज्य में शांति समिति की बैठक हो रही है, और मैं आपको ये कह देता हूँ, संगीत रागी जी कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है, इनको ये बिल्कुल जानकारी नहीं है, वहाँ के हिंदुओं के घरों पर अटैक हुए हैं,
रांची की गलियों में उत्पात मचाया गया है। गलत, आपको मालूम ही नहीं है रांची की, आपको हालात मालूम ही नहीं है रांची की, और आप कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू हर कीर्तन में, तो आप क्या चाहते थे, हिंदू वहां पर बंदूक और लाठी लेकर के आता? यानी कि हिंदुओं को हर कीर्तन करने की भी इजाजत नहीं है और समाज के एक वर्ग को सारा उत्पात करने की इजाजत है? आप अरे आपने कोड़ पाल करके रखा है ना, वो मवाद निकल रहा है। जिस रेडिकल तत्व को कांग्रेस के लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया है, 70 साल में वो पाकिस्तानी और लीगी मानसिकता एक बार फिर खड़ा हुआ है और वही कर रहा है। वो तालिबानी मानसिकता में जिंदा है, पहले भी जिंदा था, और आज भी वो चाहता है कि वो जिस प्रकार से हो, दंड उसी अनुसार से हो। साहिब बाग खड़ा करके वो कहता है कि आप संसद में बनाए हुए कानून को खत्म कर दीजिए, और आप जब तक खत्म नहीं करते हैं हम तब तक सड़कों को कब्जा किए हुए रहेंगे। ये मानसिकता है, ये प्रदर्शन की मानसिकता है। क्या ठीक है?